करके देखें, इनको सरल कीजिए। पहला, 5 की घात 4 गुणित 5 की घात 6 बटे 5 की घात 3। दूसरा, 2 की घात 2 पूरे की घात 3 गुणित 8 की घात 7 बटे 4 की घात 4। तीसरा, 9 गुणित 3 पूरे की घात 8 बटे 3 की घात 5। चौथा, 3 गुणित 2 पूरे की घात 4 गुणित 2/3 पूरे की घात 6। ऋणात्मक घातांकों की घात। हम जानते हैं कि घातांक में संख्याओं को घात के रूप में लिखते हैं, जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर बराबर 10 की घात 2 मीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर बराबर 10 की घात 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 10 की घात क्या होगा? यहाँ हम संख्या को 10 की घात के मानक रूप में व्यक्त कर रहे हैं। यदि हमारे पास इकाई से छोटी संख्याएं हैं तो उन्हें हम किस रूप में लिखेंगे? इससे पहले इन पैटर्न को देखें। 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर बराबर 10^-1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर बराबर 10^-2 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर बराबर 10^-3 मीटर। दिखाए अनुसार हम लिख सकते हैं कि 1/10 बराबर 1/10^1 बराबर 10^-1, 1/100 बराबर 1/10×10 बराबर 1/10^2 बराबर 10^-2, 1/1000 बराबर 1/10×10×10 बराबर 1/10^3 बराबर 10^-3, यानि 1/10^n बराबर 10^-n। तब क्या 1/10^n बराबर 10^n होगा? 4^-3 को हम 1/4^3 लिखते हैं। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 5^-6 बराबर 1/5^6। कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। 1/6^3 बराबर 6^3, 1/9^2 बराबर 9^-2, 3^3 बराबर 1/3^3। इन उदाहरणों से हम यह परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, 1/6^3 गुणित 6^3, 1/9^2 गुणित 9^3, 3^3 गुणित 3^3 बराबर 1। इन उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a^m बराबर 1/a^m है, जो कि a^m का गुणात्मक प्रतिलोम है। क्योंकि a^m गुणित a^m बराबर a^m धन ऋण m बराबर 1^0 बराबर 1, जहां m पूर्णांक संख्याएं हैं। करके देखें, इन संख्याओं को घातांक रूप में लिखें। पहला 1/8, दूसरा 1/243, तीसरा 1/196। दूसरा, इनके गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। पहला 10^5, दूसरा 1/2^3, तीसरा p^n, चौथा 5^7। तीसरा, सरल कीजिए और कारण बताइए। पहला, कोष्टक में 5^2
पूरे की घात 3 गुणित 5 की घात 4 भागित 5 की घात 6। दूसरा 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 बटे 2 की घात ऋण 2 गुणित 3 की घात ऋण 1। तीसरा कोष्टक में 14 की घात ऋण 2 गुणित 13 की घात ऋण 2 भागित 6 की घात ऋण 1।